नगर परिषद के 70 वार्डों के लिए भाग्य आजमा रहे 285 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला रविवार को हो गया। 387 ईवीएम में बंद 1,83,309 मतों की गणना तिलक नगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कॉलेज का निरीक्षण किया और मतों की गिनती की जानकारी ली। 6 नगर पालिका एवं जिला मुख्यालय की नगर परिषद भीलवाड़ा के लिए 7 जगह के काउंटिंग संपन्न हो चुकी है और शांतिपूर्वक पूरी तरह से ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं और जिले के अंदर पूरा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मैं सभी राजनीतिक दल, उनके जनप्रतिनिधियों को, उम्मीदवारों को और हमारे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को, सभी पोलिंग पार्टीज को, मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। विजय प्रत्याशी तो नहीं आए सर? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, कुछ कुछ जगह पे आ गए हो तो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के, यहीं पे काउंटिंग चल रही तो उनको पता हो। इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं और पुलिस के द्वारा पहले ही एहतियातन के तौर पे आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। कहीं डीजे है या कहीं व्हीकल की रैली वैली की तैयारी कहीं चल रही तो उसको ऑलरेडी जब्त किया गया है और विजय जुलूस नहीं निकालना है, ये नियम है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करता हूँ कि कोविड की गाइडलाइंस को भी देखते हुए और धारा 144 को भी देखते हुए गैर कानूनी कोई भी चीज़ नहीं करें। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ पिछले 3 नगर परिषद चुनावों की तुलना में इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जहां भाजपा पिछले बोर्ड में 55 में से 38 सीटों पर सफल हुई थी, इस बार भाजपा को 70 वार्डों में स्पष्ट बहुमत से 5 सीट दूर यानी 31 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस बार भाजपा को सबसे बड़ा झटका उनके ही बागियों ने दिया जो कि 10 से अधिक जीत कर आए हैं। यही बागी अब भीलवाड़ा नगर परिषद का अगला सभापति तय करेंगे। कांग्रेस जहां पिछले बोर्ड में 55 में से मात्र 8 सीटों पर ही सिमट गई थी, वो इस बार 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा व कांग्रेस दोनों ने निर्दलियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभापति के सबसे प्रबलतम दावेदार राकेश पाठक उभरे हैं। इनके अतिरिक्त भाजपा के पूर्व उपसभापति मुकेश शर्मा और विजय लड्ढा सभापति के प्रमुख दावेदार हैं। राकेश पाठक, सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल की कॉमन चॉइस बन सकते हैं। भाजपा को इस बार सांसद सुभाष बहेड़िया की वार्ड 63 से हार का मुंह देखना पड़ा। यहां से कांग्रेस के धर्मेंद्र पारेख विजय रहे। यही हाल भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के वार्ड 62 में रहा, जहां भाजपा के बागी ओम पाराशर चुनाव जीते तो भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी के वार्ड 61 से भी निर्दलीय शांति लाल डार चुने गए। स्पष्ट बहुमत से 14 संख्या दूर कांग्रेस ने नगर परिषद में हार नहीं मानी और निर्दलियों व एसडीपीआई के सहारे अपना सभापति बनाने की जोड़ तोड़ में जुटी हुई है। कांग्रेस से सभापति के 2 प्रमुख दावेदार पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल तो डालचंद जाट अपने समधी विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रामलाल जाट के भरोसे सभापति के दावेदार बने हुए हैं। निर्दलियों के सहारे ही मांडलगढ़ और गुलाबपुरा नगर पालिका के चेयरमैन के भाग्य का भी फैसला होगा।